हेलो दोस्तों, मैं राहुल और ये है रियलमी 6i का फीचर पार्ट 2। फीचर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, जहां पर काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में मैंने बात किया है, तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएगा। फीचर पार्ट 2 में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बेसिक फीचर है, तो आप इसे भी जो है एंड तक देख सकते हैं। बाकी जो है अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गो। अगर आप अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप राइट की तरफ स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जहां पर जो है आप स्टेप काउंटिंग वगैरह, क्विक फंक्शन वगैरह देख सकते हैं। बट काफी लोगों को ये चीज जो है जरूरत नहीं होता है, तो कैसे आप इसे डिसेबल कर सकते हैं? सिंपल है, सेटिंग्स पे आना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको स्मार्ट सर्विस पे आ जाना है और यहाँ पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिसेबल कीजिएगा और देखिए ये जो है आपका हट गया। यही नहीं, आपको यहाँ पर जो है और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट ड्राइविंग का, अगर आप ड्राइव वगैरह करें इसे एनेबल कर दीजिएगा, डू नॉट डिस्टर्ब आपका एनेबल हो जाएगा। रीडिंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे एनेबल कीजिएगा तो डू नॉट डिस्टर्ब एनेबल हो जाएगा। तो ये काफी बढ़िया यहाँ पर जो आपको स्मार्ट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इवन अगर आप यहाँ पर जो है खाली जगह पर प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि विजिट्स का, वॉलपेपर इफेक्ट और सेटिंग्स का। विजिट्स के ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारे शॉर्टकट विजिट्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लॉक नहीं है, तो अगर आप क्लॉक लाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है क्लॉक को ला सकते हैं। इवन यहाँ पर जो है आप देखिए सभी एप्लीकेशन में एक छोटा छोटा डॉट देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी पेज में जो है इन्हें ले जाकर ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी पेज में आप ड्रॉप करना चाहते हैं, और फोल्डर वगैरह क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वॉलपेपर का वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तरह तरह का यहाँ पर इफेक्ट दिया गया है, जिन्हें आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं होम स्क्रीन से रिलेटेड। यहाँ पर बेसिकली होम स्क्रीन मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप ऐप ड्रॉयर नहीं चाहते हैं, स्टैंडर्ड मोड चाहते हैं तो स्टैंडर्ड मोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे इनेबल कीजिएगा तो होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो लॉक हो जाएगा, आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद शो ऐप प्रेडिक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेसिकली यहाँ पर जो है आपको एक प्रेडिक्शन देखने को मिलता है हर बार, तो आप अगर इससे जो है डिसेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिसेबल कर दीजिएगा, जिससे जो है जो भी एप्लीकेशन आप रिसेंट यूज किया होगा वो जो है आपको वहां शो नहीं होगा। उसके बाद ऐड ऐप होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। होम स्क्रीन लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइकॉन ऑटो फिल कर सकते हैं, मतलब इसे इनेबल कर दीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आइकॉन जो है ऑटो फिल होने लगेगा, जो भी जो है खाली जगह पर रहेगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करते। उसके बाद आपके यहाँ पर सर्च बार एट स्क्रीन बॉटम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बॉटम में देखिए यहाँ पर गूगल का एक सर्च बार देखने को मिलता है। अगर आपको इसे हटाना है तो सिंपली आप जो है इस सर्च बार को जो है हटा दीजिए, यहाँ पर डिसेबल कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पर जो सर्च बार है वो जो है हट गया। काफ़ी लोग ये वाला काफ़ी क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप सर्च बार को हटा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ऐप क्लोजिंग स्पीड फास्ट नॉर्मल स्लो जो भी आप रखना चाहते हैं कर सकते हैं। स्वाइप डाउन करते हैं यहाँ पर जो ग्लोबल सर्च आ जाता है, आप अगर नोटिफिकेशन पैनल को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वाइप डाउन करते हैं आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आ जाएगा। बेसिकली ये चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है, बेसिकली आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इसे इनेबल कीजिएगा, होम स्क्रीन में डबल टैप कीजिएगा और आपका फ़ोन जो है लॉक हो जाएगा, तो इसे भी चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, मतलब यहाँ पर डॉट वगैरह शो करता है अगर अपडेट आता है तो। सेट थीम, सेट वॉलपेपर, आइकॉन स्टाइल वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है आइकॉन को स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल है, कस्टम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप जो है शेप देना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कस्टम में जो है अप्लाई वगैरह कर सकते हैं आइकॉन स्टाइल को, तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं और यहाँ पर जो है डेटा को भी इनेबल करके रखते हैं तो हर बार लॉक स्क्रीन में आपको जो है अलग अलग इमेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर बार अलग अलग इमेज आपको देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, चाहे तो इसे इनेबल करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं थीम वगैरह की, तो यहाँ पर आपको जो है अलग से थीम एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बेसिकली आप चाहे तो साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर, थीम,
कैटेगरी में जाइएगा, यहाँ पर जो है फ्री थीम भी सर्च आप कर सकते हैं, फ्री थीम भी आपको मिल जाएगा। देखिए फ्री थीम में अगर आप जाते हैं तो जो भी फ्री थीम होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट स्टाइल आपको ऑप्शन चेंज वगैरह करने का मिल जाता है, मतलब आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चूज में जाकर आप यहाँ पर जो है फ्री जो है फ्रंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री भी आपको मिल जाता है, कुछ गिने चुने मिलते हैं, वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। मीम आइएगा तो जो भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा, इंस्टॉल करके रखा होगा, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे बेसिकली। नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर आप यहाँ पर गेम के काफी ज्यादा एडिक्शन हो गया और अपना एडिक्शन छुड़ाना चाहते हैं तो ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर अगर आप जो है पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और अपने फोन से फोकस हटाना चाहते हैं तो ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन करके आपके यहाँ पर डिजिटल विंगिंग और पैन सेट कंट्रोल में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको शो योर डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा बेसिकली यहाँ पर जो है डेटा शो कर देगा आपने सारा दिन अपने फोन के साथ क्या क्या किया। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर जो है जिस भी एप्लीकेशन को आप ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपने पढ़ते टाइम या फिर आप जो है नॉर्मली गेम जो है ज़्यादा एडिक्शन वगैरह हो गए हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है टाइमर लगा सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट तक जो है आपको गेम खेलना है, 1 घंटा 30 मिनट का टाइमर लगा दिए। अब जो है यहाँ पर पबजी एप्लीकेशन को जब भी आप रन कीजिएगा 1 घंटा 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप रीडिंग वगैरह कर रहे हैं आपको सिंपली अपने फ़ोन से फोकस हटाना है तो यहाँ पर आपको फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोकस मोड को टर्न ऑन करने के लिए आप जो है उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके पढ़ाई के टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद जो है आपका मैसेंजर हो गया, उसके बाद आपका हो गया यूट्यूब वगैरह हो गया। इन्हें जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका टर्न ऑन कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर टर्न ऑन कीजिएगा ये सारे ऑप्शन आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। आप इन्हें ओपन करने की कोशिश कीजिएगा तो ये जो है फोकस मोड रहेगा, इवन इन एप्लीकेशन से आपको कोई भी नोटिशन नहीं आएगा और आप जो है यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हैं। और यही नहीं, नोटिशन पैनल में आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट भी देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर जो है फोकस मोड का शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फोकस मोड का शॉर्टकट दिया गया, यही नहीं राइड मोड, ड्राइविंग मोड और भी बहुत सारे शॉर्टकट दिया गया, किड स्पेस वगैरह। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे आपको नोटिशन में जो है शॉर्टकट वगैरह देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप जो है खुद से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पिनिंग का काफ़ी बढ़िया फीचर देखने को मिलता है। अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं यूट्यूब वगैरह चालू करके तो वो क्या करता है, यूट्यूब को ना देखकर कभी कभार बैक कर लेता है और आपके फ़ोन के डेटा वगैरह को यूज़ कर देता है, तो सिंपली आप उसे स्क्रीन पिनिंग करके दे सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड को देते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन करके सीधा आपको आ जाना है सिक्योरिटी के ऑप्शन पे और सबसे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन पिनिंग का, आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल कीजिएगा उसके बाद आपको जिस भी एप्लीकेशन को स्क्रीन पिनिंग करना है आपको उसे ओपन करना है। रिसेंट ऐप को टैप कीजिएगा, यहाँ पर डबल डॉट देखने को मिलेगा, इस पर टैप कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। सिंपली मैं पिन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है स्क्रीन पिनिंग हो चुका है। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल नीचे नहीं आएगा, डेटा को कोई ऑफ नहीं कर पाएगा, ना ही बैक कर पाएगा। अगर डायरेक्टली एग्जिट करना है तो इन दोनों को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना है और एग्जिट हो जाएगा, बट आपका फ़ोन जो है यहाँ पर लॉक हो जाता है। जब तक आप अपने फ़ोन को लॉक ओपन नहीं कीजिएगा तब तक आपका फ़ोन जो है यहाँ पर चालू नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अब जो है स्क्रीन पिनिंग हट चुका है, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया है। इवन आप स्प्लिट स्क्रीन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो है जिस भी एप्लीकेशन को आपको लेना है स्प्लिट स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन आपका स्प्लिट स्क्रीन में हो जाएगा। एग्जिट करने के लिए डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर दीजिए, एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर बात करें, अगर आप रात को अपने फोन को साइलेंट करके सोते हैं तो कभी कभार आप दिन में उठकर जो है उन्हें अनसाइलेंट करना भूल जाते हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक कमाल का फीचर दिया गया है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप इसे इनेबल कर सकते हैं और आप चाहते हैं यहाँ पर शेड्यूल भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, कितने बजे इसे ऑटोमेटिकली ऑन होना है, कितने बजे इसे ऑटोमेटिकली ऑफ होना है और आप जो है किस किस नंबर को अलाउ देना चाहते हैं। स्पेशली रात को जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉल भी आते होंगे, उन्हें जो है आप सिंपली अलाउ भी कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह है। तो ये काफी बढ़िया और कमाल का फीचर दिया गया, मैं जो इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। यही नहीं, आप अगर जो है साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड कस्टमाइज वगैरह करना चाहते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे आकर यहाँ पर जो है कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, डायलर पैड के टोन वगैरह को ऑफ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर जो है आपको सबसे लास्ट में Realme Lab में जो है डुअल मोनो ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपने हेडफोन लगा कर रखा है
और आप चाहते हैं ब्लूटूथ हेडफोन का भी इस्तेमाल करें, मतलब यहाँ पर जो है हेडफोन लगा हुआ है फिर भी आप यहाँ पर जो है ब्लूटूथ हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हेडफोन तो आप लगाए हुए हैं 3.5 mm जैक से और साथ साथ ब्लूटूथ हेडफोन का भी मजा जो है उठा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर बात करें तो ये जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल को सपोर्ट करता है, आपको यहाँ पर जो है नंबर डायल कर लेना और यहाँ देखिए वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट डायरेक्ट वीडियो कॉल उन्हीं नंबर पर होता है जियो टू जियो, एयरटेल टू एयरटेल, सेम नेटवर्क पे होता है, अदर नेटवर्क पे नहीं होता है। जैसे कि जियो टू एयरटेल अगर आप ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर दो डॉट दिखने मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ब्लॉक एंड फिल्टर कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाएगा तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रोमिंग एनेबल कर सकते हैं, अननोन नंबर को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेट रिजल्ट वगैरह, फ्लैश ऑन कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेसिकली कॉल आने पर आपका फ्लैश जो है यहाँ पर ब्लिंक करेगा, रिजेक्ट विथ SMS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑटो आंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप इसे इनेबल करके जो है कानों के सामने लाकर डायरेक्टली ऑटो आंसर कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अननोन को अलाउ करना चाहते हैं या फिर आप सबको अलाउ करना चाहते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और वाइब्रेंट वगैरह ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पावर बटन हैंगअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आप जो है फोटो वगैरह को एडिट कर सकते हैं, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली गैलरी में आना है। अगर आप जो है किसी भी फोटो को कोलैज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना है उस फोटो को प्रेस एंड होल्ड करके, उसके बाद नीचे आपको जो है कोलैज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आएगा तो यहाँ पर काफी सारे कोलैज का ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टेम्पल दिया गया है, पोस्टर दिया गया है और यहाँ पर जो आपको स्विच दिया गया है, काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी कमाल का भी लगता है, तो डेफिनेटली आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जो है कोई इमेज क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेलकम रियलमी UI लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो गेट स्टार्ट है ये जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो है एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको इरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अब आप यहाँ पर जो है इस पे इरेज कर दीजिए और ये देखिए ये जो है आपका गायब हो जाएगा, और यहाँ पर नेटवर्क भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको भी गायब कर देते हैं, अब जो है ये फुल्ली एक अच्छा इमेज आपका बन गया है। तो ये काफी कमाल का जो है आपको गैलरी में फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर बात करें तो ये जो है वीओ वाईफाई को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीओ वाईफाई का सिंबल आ रहा है, एक जो है आपका फोन बना हुआ है ऊपर वाईफाई है, अगर आपका जो है वीओ वाईफाई इनेबल नहीं है तो आप इनेबल कर सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर जो है सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पे आना, और यहाँ पर जो भी सिम कार्ड का आप वीवो वाईफाई इनेबल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जो है सिंपली इसे ऑन कर दीजिए और आपका वाईफाई कॉलिंग इनेबल हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप यहाँ पर जो है वाईफाई के मैक को हमेशा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो भी वाईफाई सिलेक्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है रेंडम मैक एड्रेस जो है लगा सकते हैं, जहाँ पर हर बार जो है आपका मैक एड्रेस रेंडम होता रहेगा और आपका फोन जो है हैंग होने से बचा हुआ रहेगा, मतलब हैक कोई नहीं कर पाएगा। डुअल चैनल एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, बेसिकली अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका डेटा स्लो पड़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली वाईफाई को सिलेक्ट कर लेगा, वाईफाई स्लो पड़ता है ऑटोमेटिकली डेटा को सिलेक्ट कर लेगा, गेम खेलते वक्त इंटरनेट करते वक्त आपको जो है यहाँ पर इशू नहीं होगा अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो। नेक्स्ट फीचर बात करें तो यहाँ पर आपको कमाल के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, अगर आप टूल्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है FM रेडियो देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली आप यहाँ पर FM रेडियो प्ले कर सकते हैं, बट आपको 3.5 जैक लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपके यहाँ पर मिल जाता है गेम स्पेस का ऑप्शन, वन टैप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्लोन फोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पर जो है पुराने फोन से नए फोन में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो ओल्ड फोन है अगर आपका तो ओल्ड फोन सेलेक्ट कीजिएगा, न्यू है तो न्यू सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर जो है पुराने फोन से नए फोन में जो है डेटा को ट्रांसफर कर पाइएगा, आपके फोन में भी जो है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो ये ऑटोमेटिकली QR के थ्रू दे देगा। उसके बाद आपके यहाँ पर कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेसिकली यहाँ पर जो है कैलकुलेटर में आपको काफी सारे फीचर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है काफी कुछ ऑप्शन देखने मिल जाता है, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेट, सब कुछ यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं इसके कैलकुलेटर के जरिए, और भी यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है, जैसे कि कंपास, ये जो है कंपास को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो है काफी बढ़िया बढ़िया प्री इंस्टॉल्ड आपको एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था Realme 6i का पार्ट 2 फीचर वीडियो, यहाँ पर जो है मैंने सारे फीचर बता दिए हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, जहाँ पर जो है इससे रिगार्डिंग और भी बहुत सारे फीचर मैंने बता कर रखे हुए हैं।
बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो आप नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए जहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएगा, जहां पर जो है मैं आपकी हर एक सवाल के जवाब दे पाऊंगा विथ स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।